सबको जय श्री कृष्ण। गीता जयंती के पावन अवसर पर सर्वे मनुष्यों को श्रीमद् भगवद गीता की ओर से जय श्री कृष्ण। आज गीता जयंती का पावन पर्व है और गीता के बारे में जानना और प्राथमिक माहिती से अवगत होना हमारे लिए आज के दिन का सौभाग्य होगा। हमें मालूम है कि महाभारत एक बड़ा एपिक है और महाभारत में 18 पर्व है, तो श्रीमद् भगवद गीता जिसकी बात आज हम कर रहे हैं वो भगवद गीता में 18 अध्याय है। महाभारत की जैसे ही भगवद गीता भी दो पंक्तियों के कपलेट, जिनको हम श्लोक कहते हैं, उनसे रची गई है। महाभारत में 100,000 से अधिक श्लोक हैं और उसमें से भगवद गीता 700 श्लोकों में बिताई गई है। महाभारत का छठा पर्व है वो गीता का उद्गार है। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले चंद मिनटों में गीता का ज्ञान गाया गया है और वो भी 700 श्लोकों में। बात भी सोचने जैसी है कि इतनी बात करने में तो बहुत लंबा सा समय लगा होगा, क्योंकि ये लंबा संवाद है। और दूसरी अचरज की बात यह है कि यह संवाद युद्ध मैदान में है, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि आफ्टर ऑल ये जो है वो अवतार की लीला है। आज के AI के जमाने से हम अचंभित हो रहे हैं, तो क्यों ना हम ऐसा सोच ले कि उसी वक्त में डिवाइन AI थी और युद्ध के मैदान में 700 श्लोक भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद की तरह प्रस्तुत हुए होंगे। वैसे देखें तो भगवद गीता 2500 वर्ष पहले लिखा गया एक संस्कृत का पर्व है, संस्कृत कविता है, जिसका साहित्यिक शीर्षक ईश्वर का गीत या तो द सॉन्ग ऑफ लॉर्ड दिया जा सकता है। समझ लें कि भगवद गीता केवल हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ नहीं है। वेद में विश्व मानुष की कल्पना की गई है और ये महाभारत का एक छोटा सा हिस्सा जो हमारे लिए श्रीमद् भगवद गीता है वो कृष्णा और अर्जुन नाम के दो मित्रों के बीच का एक संवाद है। अच्छी सच्ची और आनंदमय जीवन रीति के लिए ये विजडम का ग्रंथ है जिसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता। ये भी हम बराबर तय कर लें कि ये जो बात है वो वेद में कहे गए विश्व मानुष की परिकल्पना को स्पष्ट करता है। श्रीमद् भगवद गीता के पठन से हमें कैसा मानव होना चाहिए, सत्व रजस और तम क्या है, ज्ञान कर्म और भक्ति क्या है, संचित कर्म क्या है, हर एक सृष्टि के सर्जन में ईश्वर को कैसे देखना है, ऐसी छोटी से लेकर बड़ी बातें हमारे लिए प्रस्तुत की गई है। हमें रजोगुण और तमोगुण का निग्रह करके उनका त्याग करना है, सत्वगुण का विकास करना है और उसके माध्यम से आसक्ति को जीत लेना है, लेकिन उसके फल को त्याग देना है।
आत्मज्ञान के लिए जो भी आवश्यक है वो भगवत गीता में बताया गया है। आत्मज्ञान भक्ति के बिना संभव नहीं है, वो निर्देश भी स्पष्ट तरीके से यहाँ दिया गया है। अनासक्ति और वैराग्य, ये शस्त्रों के साथ वृक्ष को छेदने का आरंभ करना है। रज और तम को साथ में लेकर उनको हटाना है और सत्व का बीज आरोपित करना है। मैं समझता हूं कि रजत तम और सत्व का एक पूरा रामायण श्रीमद् भगवत गीता में दिया गया है। हम समझें तो रजोगुण वो रावण है, तमोगुण वो कुंभकर्ण है और विभीषण सत्व गुण है। विभीषण तत्व जो हरि शरण में पहुंचता है तो वह उन्नति साधक और पोषक बन जाता है। आज के गीता जयंती के इस पर्व पर हम प्रार्थना करें कि हमारे प्रयत्नों के साथ भक्ति और प्रयत्न भक्ति के साथ आत्मज्ञान हमें प्राप्त हो ताकि हम पूर्णता की ओर प्रयाण कर सकें। मैं सेवक हूं, केवल भक्त हूं। ईश्वर मेरा स्वामी है, सेव्य है और बाकी सब कुछ अस्तित्व का है वो सेवा के लिए साधन है। यही श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, ऐसा कह के श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अपने शरण में आने की बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर एक परमात्मा बैठा हुआ है, उनका छोटा अंश है जिनको हम आत्मा बोलते हैं। आत्मा से शब्द आता है आत्मविश्वास। उनके शरण में जाने के लिए हमें आदेश दे रहे हैं, सब कुछ छोड़ो, आसक्ति छोड़ो, किसी के साथ लगाव है वो छोड़ दीजिए और अपने अंदर बैठे आत्मा के साथ लगाव जोड़ दीजिए। वही है सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मैं समझता हूँ कि गीता जयंती के पावन अवसर पर यही हमारा एक ही श्लोक हो सकता है, एक ही प्रार्थना हो सकती है। जय श्री कृष्ण।